निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। वेदांत का श्लोक है, निर्विकल्प हो जहाँ कोई विकल्प न हो, अचिन्ह मात्र हो, ज्ञान मात्र हो, ऐसी जो वृत्ति है उसको प्रज्ञा कहा गया है। निर्विकल्प हो और चिन्ह मात्र ज्ञान मात्र हो, ऐसी निर्विकल्प और चिन्ह मात्र वृत्ति यदि हमेशा बनी रहे तो उसको जीवन मुक्त कहा जाएगा। जीते ही वह पुरुष मुक्त है जिसको आत्मतत्व का दृढ़ ज्ञान हो गया, शुभ अशुभ सब वासनाओं का क्षय हो गया, वो जो है जीते ही मुक्त कहा गया है। निर्विकल्पाच चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। अज्ञानम प्रवृत्ति लक्षणम ज्ञानम संन्यास लक्षणम। अज्ञान जब तक रहेगा प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, यह मिल जाए वह मिल जाए, यहाँ चलो वहाँ चलो, रुपये का संग्रह करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, फंसेगा वो। और ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञान होने पर संन्यास हो जाता है, तुच्छ चीज़ों को झूठी चीज़ों को त्याग देता है और नित्य वस्तु परमात्मा को पकड़ता है। अज्ञानम प्रवृत्ति लक्षणम ज्ञानम संन्यास लक्षणम। तमेव भुक्ति विरसम व्यापारौघम पुनः पुनः दिवसे दिवसे कुर्वन प्राज्ञा कस्मान् न लज्जते। तमेव भुक्ति विरसम व्यापारौघम पुनः पुनः, उन्हीं सब कार्यों को तुम बार बार करते हो, बार बार मलमूत्र त्यागना, बार बार जो है रत्वन करना, बार बार गंदी हवा को निकालना, बार बार जो है किसी से मिलना, तो कह रहे कि बार बार उन्हीं चीज़ों को देखना, बार बार उन्हीं चीज़ों को सुनना, तो कह रहे कि उन्हीं को बार बार कर चुके हो इसलिए उसमें रस क्या रह गया। तुम्हें वो भुक्ति भी रसम व्यापारों हम पुनः पुनः उन्हीं कार्यों को, व्यापारों को तुम कर रहे हो, रोज आना जाना, रोज खाना पीना, रोज मलमूत्र त्यागना, रोज सोना बेहोश होकर के, इसमें कौन सा आकर्षण रखा है। दिवसे दिवसे कुर्वन, प्रतिदिन तुम यही करते हो तो ए बुद्धिमान पुरुष तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो, उसे उपराम क्यों नहीं होते हो। एक रोगी जो था एक डॉक्टर के यहाँ पहुँचा, डॉक्टर बोला इस रोग की कोई दवा नहीं है। रोगी क्या कहा, डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं कि इस रोग की कोई दवा नहीं है, मृत्यु को आने दीजिए, मृत्यु जब आ जाएगी तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अंतिम दवा है, मृत्यु के आने पर किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर हर महादेव। कुछ एक श्रद्धानंद हंडी वाले साधु थे, ऋषिकेश की तरफ विचरते थे, मिट्टी की हंडी रखते थे। तो श्रद्धानंद हंडी वाले एक श्लोक बोले, उपनिषद का था, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकृतिता। रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं, हे हनुमान वासना किसे कहते हैं। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, दृढ़ भावना तो तुमने कर लिया और पूर्वापर के विचार को छोड़ दिया, अब पदार्थ को अंगीकार कर लिया, इसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, कोई सुंदर पुरुष दिखाई दे, पहले क्या था वो, माता पिता के शरीर में अन्न में था, फिर रज बीज पहले दिन कैसा था वो, एक दो महीने के गर्भ में कैसा रहा होगा, जन्मते समय कैसा रहा होगा, चार पाँच साल तक माता पिता उसके चितर को धोए, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, जवानी आ गई, फिर धीरे धीरे जवानी जाने लगी, वृद्धावस्था आ गई, चिता में फूका जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा, तो कुत्ते खाएंगे, कौवा मछली ये सब खाएंगे सब। तो वही बता रहा है कि दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारम, तुम पूर्वापर का विचार तो करो, पहले ये किस रूप में था, कोई बिल्डिंग ही दिखाई दे, पहले उसके पहले रूप का ध्यान तो करो। जितना भी सीमेंट दिखाई देता है पहले पहाड़ था, उस पत्थर था, जितने भी ईंट इत्यादि दिखा रहे हैं सब मिट्टी था, तो पूर्व का विचार तो करो। लोहे को अलग कर दिया, लकड़ी को अलग कर दिया, ईंट को अलग कर दिया, सीमेंट को अलग कर दिया, कोई आकर्षण बनेगा। इसी तरह से क्षितिजल पाव गगन समीरा, ये पंच तत्वों से शरीर बना है, पांचों को अलग कर दो कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो वही बता रहा है कि श्रद्धानंद जी हंडी वाले बोल रहे थे कि दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, दृढ़ भावना तो तुम कर लिए, पूर्वापर के विचार को त्याग कर दिया,
अब पदार्थ को अंगीकार करने के ये पदार्थ है, अमुक चीज़ है, अमुक चीज़ है, ये सुंदर स्त्री है, ये सुंदर पुरुष है। अरे तुम पूर्वापर का विचार भी तो करो, नहीं विचार करोगे तो वासना चली जाएगी, नहीं विचार करोगे तो वासना का शिकार बनोगे। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जलता देख के कबीरा भया उदास। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, श्मशान में जा करके आप देखो, चिता पर जब शरीर को रख दिया जाता है तो लकड़ी के साथ में वो शरीर भी जल जाता है, उसकी हड्डी भी जल जाती है, केस जो है तनिक देर में आग की लपट में क्या हो जाता है, घास की तरह से जल जाता है। सारे संसार को जलता देख करके कबीरदास उदास हो गए, यहाँ कुछ संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, पर एक परमात्मा ही सत्य है।